प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम की, क्या है ये स्कीम और इससे आपको कैसे फायदा हो सकता है? क्लियर टैक्स की चीफ एडिटर प्रीति खुराना हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रीति, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम की हम बात कर रहे हैं, किस तरह की टैक्स स्कीम है ये हमको समझाएं। बिल्कुल, पहले तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम जो है ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जो या तो बिजनेस करते हैं या फिर किसी तरह का प्रोफेशन करते हैं। अब प्रोफेशन से ये मतलब है जैसे कि डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर डेकोरेटर है या लॉयर है, तो ऐसे कुछ प्रोफेशंस हैं जो कि लिखे गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में, उनके लिए ये स्कीम अवेलेबल है। तो ये स्कीम का जो मेन पर्पस है वो ये है कि कंप्लायंस में जो मेहनत लगती है, फॉर्म भरना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनवाना और ऑडिट करवाना, ये सारी कंप्लायंसेस जो है वो टैक्स पेयर्स के लिए नहीं रहती। उन्हें मतलब बुक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, और टैक्स डिपार्टमेंट के लिए भी ये एक इजी तरीका है कि लोग अपने रिटर्न भरें। और बहुत सिंपल सा इसका रिटर्न फॉर्मेट होता है, ITR 4 करके, तो बहुत ही सिंपल रिटर्न होती है। तो दोनों टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ये एक लोअर कंप्लायंस और लेस एफर्ट से भरा वो है। इससे क्या होता है कि ज्यादा बिजनेसेस में कंप्लायंस बढ़ जाती है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस आगे आकर के अपनी रिटर्न भरते हैं। अच्छा, जहाँ तक क्लेम करने की बात है, हम यहाँ पर एक्सपेंसेस और डिडक्शन इन रेवेन्यूज को क्या क्लेम कर सकते हैं? एक बार आपने प्रिजम्प्टिव टैक्स स्कीम को अपना लिया है तो किस तरह से काम करती है ये स्कीम? बिल्कुल, तो प्रिजम्प्टिव टैक्स का मतलब ये है कि आपका जो टैक्सेबल इनकम होगा, जो आपका प्रॉफिट माना जाएगा, वो एज्यूम कर दिया जाएगा। उसके लिए एक मेथड दिया हुआ है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस की जितनी टर्नओवर है उसका 8% आपका मुनाफा माना जाएगा, उतना प्रॉफिट आपका मान लेंगे कि यही आपका प्रॉफिट है। और अगर आप डिजिटली रिसीव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट्स रिसीव करते हैं, कैश में नहीं लेते हैं, तो जितनी डिजिटल रिसीट्स हैं उन पे केवल 6% जो है आपका प्रॉफिट माना जाएगा। तो जब भी आप ये कैलकुलेशन करेंगे, तो आपने जैसे मान लीजिए 8% निकाला और डिजिटल रिसीट्स पे 6% निकाला, उसके बाद उस प्रॉफिट में से आप कुछ भी घटा नहीं सकते। किसी तरह के खर्चे, डेप्रिसिएशन, जो लोग एसेट्स रखते हैं उनको डेप्रिसिएशन मिलता है, तो कोई भी तरह का खर्चा इसमें अलाउड नहीं होगा। जो आपका अमाउंट आया वो परसेंटेज लगा के उसी को जो है माना जाएगा कि वो आपका प्रॉफिट है। उसके बाद आप उसमें से ATC और ATD और तरह तरह की जो डिडक्शंस हैं वो आप भले ही क्लेम कर सकते हैं, मगर कोई भी खर्चा उसमें से घटा नहीं सकते। और जहां तक प्रोफेशनल्स की बात करें, तो प्रोफेशनल्स के केस में क्या होता है कि वो 50% उनकी जितनी रिसीट्स है, उन रिसीट्स का 50% जो है वो उनकी इनकम माना जाता है। तो अगर किसी का जो टोटल रिसीट, मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई है, 30 लाख तक है, तो 15 लाख जो है वो उनकी इनकम मान ली जाती है। और उस 15 लाख पे आप ATC ATD जो डिडक्शन लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और जो नेट बन के जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई उस पर आप जो है टैक्स लैब्स के हिसाब से टैक्स भरेंगे। और इसमें फिर से यही है कि जो भी खर्चे हुए, मान लीजिए डॉक्टर ने कोई फर्नीचर खरीदा, इक्विपमेंट खरीदा, किसी रिसेप्शनिस्ट को रखा, जो भी उनके खर्चे हैं वो कोई भी खर्चा डिडक्ट नहीं होता है। एज्यूम कर लिया जाता है कि 50% जो है आपका खर्चों में निकल गया। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो तरह की टैक्स पेइंग एंटिटीज़ की, एक तो बिजनेसेस हैं और एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स हैं। इन दो कैटेगरीज में किस किस तरह के व्यवसाय और किस किस तरह के प्रोफेशंस आते हैं? बिल्कुल, तो जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि इसमें बिजनेसेस भी एलिजिबल हैं प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन में और प्रोफेशंस भी, तो इनके लिए अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं। जो जानकार है उनके लिए सकते हैं कि 44AD जो है वो बिजनेसेस के लिए है और 44ADA प्रोफेशंस के लिए है। तो बिजनेसेस की टर्नओवर का थ्रेशोल्ड है, यानी कि 2 करोड़ से कम होनी चाहिए उनकी जो टर्नओवर है उस साल की, जिस साल वो ये स्कीम क्लेम कर रहे हैं। और प्रोफेशंस के लिए ये लिमिट रखी गई है 50 लाख पर। अब रही बात की खर्चों की, हमने बात कर ली, अब बात ये रहेगी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी ये है, बिजनेस लगभग सभी कवर हो जाते हैं, खाली अगर कोई एजेंट है, एजेंसी बिजनेस जो है
वो इसमें अलाउड नहीं है, वो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन नहीं ले सकते। अगर आप कमीशन या ब्रोकरेज, इंश्योरेंस कमीशन मिलती है, ब्रोकरेज वगैरह कमाते हैं, उनको भी प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। अब प्रोफेशंस पे आते हैं तो बिजनेसेस तो सभी कवर हो गए दो छोड़ करके, और प्रोफेशंस जो है वो अलग से स्पेसिफाई किए गए हैं, तो वो सीबीडीटी ने जो है उनको नोटिफाई किया हुआ है कि खाली यही प्रोफेशंस हैं जिन्हें मिलेगा। उसमें है लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट, ये सभी तरह के कवर्ड हैं। और अगर सीबीडीटी चाहे तो वो और भी प्रोफेशंस को नोटिफाई कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए आप किसी तरह का प्रोफेशन करते हैं, अगर आपको लगता है आप ट्यूटरिंग बिजनेस चलाते हैं, या आप कोई भी प्रोफेशनल है, आप कोई स्यूइंग सिखाते हैं, ऐसा कुछ है, बट वो नोटिफाइड प्रोफेशन नहीं है, तो वो प्रोफेशन में नहीं आएगा, फिर वो बिजनेस में आ जाएगा। तो एक तो ये रिक्वायरमेंट हुई, और ये भी हुआ कि ये खाली मिलता है रेजिडेंट टैक्स पेयर्स को, नॉन रेजिडेंट्स के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन नहीं है। बिजनेस में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन वो ले सकते हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट एचयूएफ हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, एलएलपी नहीं मगर रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए। सिमिलरली प्रोफेशन के केस में रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, या अगर पार्टनरशिप है उनके लिए भी ये चीज अवेलेबल है। टर्नओवर थ्रेशोल्ड्स क्या बताइए आपने? हाँ जी हाँ, तो टर्नओवर रिवाइज करी गई थी, पहले कम होती थी, अब बढ़ा करके 2 करोड़ कर दी गई है बिजनेसेस के लिए और 50 लाख है प्रोफेशंस के लिए। और जहाँ तक प्रिजम्प्टिव टैक्स रेट की बात है, तो वो किस तरह से निर्धारित की गई है? तो टैक्स रेट जैसे कि 8% है बिजनेसेस के लिए, 6% डिजिटल रिसीट्स पे, और प्रोफेशंस के लिए है 50%। अब मुझे ये बताएं कि अगर मान लीजिए किसी शख्स ने प्रिजेंटिव टैक्स स्कीम को चुना है, उसका चुनाव किया है उस विकल्प का, और अगले साल शायद उनको उसका चुनाव नहीं करना है, ये रिजीम में उनको नहीं आना है, इसका स्कीम में नहीं आना है, तो क्या ये बदला जा सकता है? देखिए, अगर आप एक बारी ऑप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये स्कीम कंटिन्यू करनी है। अगर आप इसमें से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, एक साल आपने प्रिजम्प्टिव लिया, अगले साल या तो आपकी टर्नओवर बढ़ गई या किसी वजह से आपको लगता है कि आपकी इनकम कम है 8% और वो 50% में नहीं है, और आप नॉर्मल स्कीम में आते हैं, तो फिर 5 साल तक आप दोबारा ऑप्ट इन नहीं कर सकते। तो जो भी आपकी चॉइस है उसको 5 साल तक आपको चलाना पड़ेगा। अब ये बताएं कि आखिर ये जो स्कीम है ये किस तरह के इंडिविजुअल के लिए या व्यवसाय के लिए बेनिफिशियल है? क्योंकि ये काफ़ी सालों से है, लेकिन इसको लेके जानकारी लोगों को बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना चाहिए कि लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, और क्या करना चाहिए? ये छोटे व्यापारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, कंप्लायंस बर्डन उनका घट जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेंगी, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा। कई बारी छोटे जो व्यापारी होते हैं वो खुद इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास समय नहीं है या पैसे नहीं है एक बंदा हायर करने के लिए जो उनका काम करे, जो उनकी अकाउंटिंग देखे, ऑडिट करवाए, तो उनके लिए बहुत ही फायदेमंद स्कीम है। और अगर आप देखें रेट्स भी बहुत अच्छे से रखे गए हैं, एनकरेज करने के लिए है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकें। तो मेरे हिसाब से अगर आपको अवेयरनेस नहीं है तो अपनी अवेयरनेस थोड़ा बढ़ाइए, और अगर आप किसी भी तरह का व्यवसाय करते हैं जो एक्सेप्शन है उनमें तो वो तो नहीं इसका बेनिफिट उठा सकते, बट बाकी सभी जो बिजनेस है वो इसका फायदा उठा सकते हैं। प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही विस्तार से आपने इसकी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, धन्यवाद हिस्सा होने के लिए। आज थैंक यू। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाए उससे पहले आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं जिसके ज़रिए आप हम तक पहुंच सकते हैं। ये हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप नंबर है जहां पर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, टैक्स, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो करेंसी, कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हो 9619873567 इस नंबर पर अपने सवाल भेज दीजिए। मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद।